नमस्कार और आदाब, आज सनीचर है जून के 25 तारीख 25 यूनी। पेश आपके लिए 7 दिन के खबरें। नॉर्थ बोल्डर दम के समस्या में जहां पर पिछले साल जुली महीना में 3 फ्रकोल्डर लेकन जले हुए लाश मिले थे, एक जले हुए गाड़ी में, एक फोर्ट रेंजर में, एक और शख्स गिरफ्तार हुए हैं। एक आदमी गिरफ्तार हुए है, यह 42 साल का रुवेल खी। जब इनको पता चला कि पुलिस इनका तलाश कर रहे हैं, तो ये खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किए हैं। आपको ये पता है कि पेशतर एक स्त्री, एक औरत इग्रेक वी और एक टैक्सी शोफर एस, इन दोनों का गिरफ्तारी भी हुआ था लेदन कोप केस टीम के जरिए। ये जो उन दर्शों की छानबीन हो रहा है इस मामले में, इस छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ और ज़्यादा जानकारी लगे है और धीरे धीरे लोगों को तलाश करना पुलिस शुरुआत किए है। अभी तक पुलिस इन तलाश कर रही है। पुलिस इस वक्त तलाश में है मार्क एंथनी रॉल्फ विल्सन का और रुवेल सेपनहॉफ आलियास दीपा का। इस मामले से जुड़े, मतलब इन लोगों का हाथ भी है इस कत्ल में, तो इन लोगों के तलाश कोर्ट के इस टीम के ये मामला में खोजबीन के दौरान इन लोगों के तलाश किया जाता है पुलिस के जरिए। एक अफसोस के बाद एक फैमिली ड्रामा हुआ है बेफे के शाम को, और ये रेडी दोती स्त्रात में। एक बाप और बेटे इन दोनों का देहांत हुआ है बेफे के रात को रेडी दोती स्त्रात में। ये 36 साल का रिनाटो बुझावन और 17 साल का बेटा दानिक बुझावन। पता नहीं है कि कारण क्या है। ये 36 साल का आदमी, ये बताया गया है कि इनका कुछ मानसिक प्रॉब्लम था, कुछ सीहिस प्रॉब्लम था, और ये हो सकता है खुद पहले अपने बेटे पर गोली चलाया है और उसके बाद खुद खुशी किए है, खुद अपने आप गोली चलाए है। जो यख्त खवेर इसके लिए इस्तेमाल किया गया था, छानबीन के दौरान पुलिस इसे कब्जे में ले लिया है और ये इलखाल था, मतलब इनके लिए इजाज़त नहीं था इस्तेमाल करने के वास्ते, ज़रूरी कागजात नहीं था। ये भी पता चला है कि यह 17 साल का लड़का दानिक बी जो है, ये क्लैन सोन है मिनिस्टर अछायवर सिंह का, फिनांसियन का मिनिस्टर का। ये अपनी माँ के साथ नाखसरात क्वाता पर रहते थे और उस बीफे के शाम को इनको तार आए हैं इनके बाप के जरिए कि उन्हें आना है रेदी दोती स्त्रात जहाँ पर इनका बाप रहता था। वहाँ पर वो गया है यह 17 साल का लड़का, और कुछ ही समय के बाद लोग दो बार गोली चलने की आवाज़ सुने है। जब आसपास के लोग गए वहां देखने के लिए, तो खराश में दोनों लाश पड़े थे। पुलिस और एम्बुलेंस को तार किया गया, लेकिन अफसोस कि एम्बुलेंस के वहां आते आते पता चला कि दोनों का देहांत हो गया है। ये दोनों लाशें जो है ये परिवार को दिया गया है अंत्येष्टि क्रिया के वास्ते। पंचघर में बीते हुए बीफे को प्रेसिडेंट संतो की कुछ खास बातें कहे है ओपन बार फरखादरिंग के दौरान। प्रेसिडेंट ये कहा है कि जो बात और ओवरलास्ट हुआ है सुरीनाम देश के अनेक जगह पर, पेनलांत में, सवेदन में, दक्षिण हिस्सा में, इसका काफ़ी असर हुआ है सुरीनाम देश पर। कुछ हिस्सा सुरीनाम देश का पानी के नीचे आ गया है, डूब गया है, लेकिन असर सुरीनाम देश पर ज़रूर हुआ है। पिछले 2 सालों से ज़्यादा बारिश के कारण और हो खबातर फोराक के कारण ये बताया गया है कि ज़्यादा जगह जो है सुरीनाम देश का डूब जाती है वक्त वक्त पर। यह बहुत ज़रूरी है कुछ अहम फैसला लेने को, ख़ासतौर पर लोकल खमेंसापन के वास्ते, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों के वास्ते, साथ में भी स्कूल के वास्ते, रास्ते, लंबो खबीदन और इंडस्ट्रियन, इन सभी के हिफाजत करने के वास्ते सरकार को कुछ खास अहम फैसला लेना है। प्रेसिडेंट ये कहा है कि क्लिमाट्स फरमद्रिंग पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिमाट्स फरमद्रिंग भी कारण है इसका कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर रहता है वक्त वक्त पर, और कुछ वहाँ पर जो बेनलांत की जगह है डूब जाते हैं। इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ क्लिमाट्स फरमद्रिंग, लेकिन क्लिमाट्स फरमद्रिंग के अलावा भी जो दूसरे नतुरंपन और लोह जो हो रहा है, जंग जो हो रहा है दुनिया में, तो इसका भी असर होता है सुरीनाम देश पर। हम नहीं इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, बैठकर हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं बौतलांत से हेल्प मिलने के, मदद जो मिलेगा हमें खुद अपना मदद करना चाहिए, खुद हमना इसमें हाथ बटाना चाहिए, और एक ऐसा
हल ढूंढना चाहिए ना एक दो दिन के लिए लेकिन लंबे अरसे तक इसमें हल लाने के वास्ते। प्रेसिडेंट ने कहा है कि मिनिस्टर ओपन बार वेरकन एलफीफी और एरओएस का इन लोगों से बातचीत किया गया है और इन लोगों से कहा गया है कि बात और बहेर का लोग अच्छे तरह से इस पर गौर करें। आगे में ये कहा गया है मॉनिटोरिंग करना बहुत ज़रूरी है रोज़ाना और ये देखना चाहिए जल्द में क्या करना चाहिए और ये क्लिमाट्स फरमदरिंग के सिलसिले में कुछ बलेट्स अक्सिस को तैयार करना चाहिए सरकार के वास्ते इन मिनिस्टेरीज को कहा गया है। इन तमाम चीज़ों में एनसीसीआर का नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंट्रम फॉर रंपन बहेर सिंह का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एनसीसीआर के ज़रिए वहाँ के जनता को मदद दिया जाता है और ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में कुछ भी विशेषज्ञ लोग दसकुंद जो है इन लोगों के भी इसमें भर्ती किया जाएगा एनसीसीआर में भर्ती किया जाएगा मदद के वास्ते और पैसा का बंदोबस्त किया जाएगा। मिनिस्टेरी सोशाल साकन और फॉलक्सोथेत का इन लोगों को सोशाल हेल्प फॉर लीनिंग पर ख़ास तौर पर गौर करना है ह्यूमानिटेरियन हेल्प दवा इत्यादि और इन तमाम चीज़ों पर लोगों को गौर करना चाहिए। आगे में एक हिस्सा भी है मिनिस्टेरी फॉर रमतलक ऑर्डरिंग और मिलियोई का इन लोगों को एक अक्सी प्लान तैयार करना चाहिए रामपन के वास्ते जो सुरीनाम देश में हो रहा है। तो इस बारे में चर्चा हुआ है पंजगर में बीते हुए बीफ को। कुछ और खास बातों के बारे में प्रेसिडेंट ने बात की है। बहुत से ऐसे सवाल किया गया है जनता के जरिए और भी दयाना में पंचघर में एसएलएम के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है सवाल किया गया है। प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है कि एसएलएम जो है यहाँ पर एक रे और खनिजासी हो रहा है सालों का जो मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हुआ है और वन बलैक जो हुआ है ठीक तरह से यह बद्रेफ को नहीं चलाया गया है और काफ़ी गोलमाल हुआ है तो इसको सुधारने के वास्ते यहाँ पर काम हो रहा है एक रे और खनिजासी आई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वक्त इस समय में जो हम सब जी रहे हैं प्रेसिडेंट ने कहा है कि मॉडर्न बेदतेज खंगबार बद्रेफन ग्रुप को यहाँ पर खड़ी करना ये बहुत ज़रूरी है और फिनंशियल इसमें फ़ायदा भी हो सकता है। दूर शाम बद्रेफ स्कोरिंग बहुत ज़रूरी है। ये बद्रेफ जो है यहाँ पर कहा गया है कि अगर ठीक से चलेगा तो पार्टनरशापन नेशनल और इंटरनेशनल भी और आसान रहेगा लोग के लिए आसान रहेगा और लोग एसएलएम के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। आगे में प्रेसिडेंट ने कहा है कि फ्लाइंग ऑन ट्रस्टेड विंग्स एंड फे एक रेखमादक और कॉन्फॉर्म फेनोट्सकप्स रेख्त ऑपरेटिंग इसका हुआ है कायम किया गया है यह बिल्कुल कानूनन सही है और ये रे और हनीसासी का हिस्सा है। कुछ और एंटीटाइटन जो है एसएलएम के अंदर कायम होगा ऑपरेट किया जाएगा रेक्सपोशोनन का और ये सभी रे और हनीसासी का हिस्सा है एसएलएम को फिर ठीक रास्ते पर लाने के लिए और इस बद्रेफ को बचाने के वास्ते ये कहा गया है। ये सब हेयर स्टाइल प्लान का हिस्सा है और प्रेसिडेंट ने कहा है कि विशेषज्ञ लोगों को काम पर रखा जाएगा मदद के वास्ते राय के वास्ते। इसमें कहा गया है गुजारिश किया गया है कि ये एसएलएम को फ़ायदेमंद फिर से बनाने के लिए सभी के मदद के ज़रूरी है इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप कटास इस पर ना करें लेकिन सरकार का इसमें मदद एक 70 का फुटहांगर खुशताब दौर्श का देहांत हुआ है। मंगर 21 जून को इंदिरा गांधी वैक में एक टोयोटा बस जाकर इनसे टकराया है। ये रेस देख के पुलिस को जब खबर मिला है वहाँ पर जब पहुँचे उंदरशुक के वास्ते तो यह आदमी सड़क पर लेटा हुआ था और ये पता चला है कि इनका देहांत हो चुका था। ये जो सस्तार औतुबस्तूदर ए एल था ये अपने बयान में बताए है कि ये पूरे तौर से कोशिश की है इस आदमी को बचाने के लिए लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए हैं क्योंकि ये आदमी जो है सैफ तहियार फुटहांगर खुशताब दौर्स अचानक सड़क पर आ गया है। ये अचानक सड़क पार कर रहा था और ये औतुबस्तूदर के लिए मुमकिन नहीं था इनको बचाने के वास्ते। ये औतुबस्तूदर के पास एक ख्याल खरीब वैस था नशे के हालात में नहीं था। इनको लोग पुलिस थाने ले गए इनका बयान लेने के बाद वापस घर भेज दिए हैं लेकिन रेब वैस इन्फॉर्डर हुआ है और इस मामले में फरकेशनो मेदन जो है आगे खोजबीन कर रहा है।
पानी के बारे में हम आपको बताई है, बहुत से ऐसे जगह सूरीनाम देश में पानी के नीचे आ गई है, डूब गए हैं। तो इसमें खुयाना देश जो है, हमारे बाजू का देश जो है, बुरलांग जो है, खुयाना हमें मदद दे रहा है। खुयाना अपने सिविल डिफेंस कमीशन के ज़रिए बहुत से ऐसे फूचल फोरात का बंदोबस्त किए हैं, ओवरस्ट्रोमिंग से जो शिकार हुए हैं, जो जिनको हानि हुआ है, जो खबीदन को, यहाँ पर लोगों को, जनता को मदद देने के वास्ते। इस हफ्ता में कुछ फूचल फोरादन आ चुके हैं सूरीनाम देश में मदद के तौर पर, और ये ज़रूरी खाने पीने के सामान है। अम्बासडर लिसा लब्लांकंदाओ सूरीनाम देश का जो खुयाना में अम्बासडर है, ये कहते हैं कि ये ओवरहैंग सेरेमोनी बीते हुए बुध को हुआ है, और वो शुक्रिया धन्यवाद कहे, ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो मदद मिल रहा है खुयाना के तरफ से। मार्च महीना से सूरीनाम देश में काफ़ी मुश्किल आती है ओवर स्ट्रोमिंग की वजह से, और बहुत से हिस्सा सूरीनाम देश का डूब गया है। अब सूरीनाम देश को ये खुयाना की तरफ से मदद मिल रहा है, और भी इंटरनेशनल हेल्प भी मिलने वाली है। इस मामले के बारे में मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि हॉलैंड से भी मदद का मांग किया गया था, और हॉलैंड भी मदद करने वाले हैं सूरीनाम देश को इस मामले में। आपको ये भी हम बता दें कि मई के 25 तारीख 25 मई को प्रेसिडेंट संतोखी ये ओवरस्ट्रोम द खबीदन को रम खबीद कहलाए हैं। आने वाले दिनों में सूरीनाम देश में बहुत से ऐसे विदेशी मेहमान आने वाले हैं, अन्य देशों का लोग यहाँ पर आने वाले हैं। सेक्रेटरी जनरल फरीद नाजिस का और एक मिनिस्टर सऊदी अरबिया का, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग सूरीनाम देश आने वाले हैं। लोग ये उम्मीद करते हैं कि लगभग 400 सूरीनाम देश आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में। ये सूरीनाम देश में ये इंटरनेशनल फरखादरिंग में हिस्सा लेने को कार्य फरखादरी युक्त के बारे में यहाँ पर बातचीत होगा, और ये कार्यक्रम फरखादरी जो है इसके चर्चा किया गया है कई दिनों से। और वैसे भी आपको हम बता दें कि ओली और खस इंडस्ट्री के बारे में भी बातचीत होगा आने वाले दिनों में। प्रेसिडेंट संतोखी बीते हुए बीफे को पंचघर में कहा है कि कौन से एक्टिविटीज होने वाली है, प्लानिंग क्या है। जून के 28 तारीख 28 से लेकर जुलाई के 1 तारीख 1 जुली तक एक दिल हादसे त्रिनिदाद और टोबैगो का सूरीनाम देश आने वाले है। यहाँ पर लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है डुल है हंडल ऑफ फर्शिलंद निफोज जो है दोनों देशों का, और बेहतर करने के वास्ते अनेक क्षेत्र के बारे में, अनेक क्षेत्र पर लोग बातचीत करने वाले हैं। 29 तारीख और 30 तारीख जून को क्यूरासाओ का मिनिस्टर फिनांसियन का खफिये सिल्फानिया भी सूरीनाम देश आने वाले हैं। यहाँ पर बातचीत होगा फिनांसियन और प्लानिंग के साथ मिलकर काम करने के वास्ते। जून के 27 तारीख से लेकर जून के 30 तारीख सेवनतवेंतमेदर्तनी सूरीनाम देश में एनर्जी ऑयल एंड गैस समेत रहेगा, और लगभग 400 डेल नेमर्स 80 अनेक तख्तक फर्शकेलेंडर बदरायफ इनका ये सब रजिस्टर किए हैं। फिर्टुअल जो है मतलब ऑनलाइन 2,407 लोग दुनिया भर का भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। प्रेसिडेंट सूरीनाम का और खुयाना का ओपनिंग के दिन ये सब बातचीत करने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं। जुलाई के 1 तारीख 1 जुली सूरीनाम देश फौज तरखाब अपने ऊपर लेंगे कारिकॉम का। प्रेसिडेंट संतोखी दिसंबर के 31 तारीख इसी साल 31 दिसंबर तक बागडोर संभालेगा कारिकॉम का इस औरखनी साक्षी का। 3 जुली को 43वीं रेगुलर कार्यक्रम स्टाटसोवन कॉन्फ्रेंसी शुरू होगा परामारिबो में। इसके लिए काफ़ी लोग दिलचस्पी दिखाए हैं, ये प्रेसिडेंट ने बताए हैं, और ये कार्यक्रम स्टाटसोवन कॉन्फ्रेंसी जो होने वाली है, इसके अलावा भी एक अपार्ट अलग सा एक समित रहेगा खुयाना और सूरीनाम के स्टाटसोवन निफो पर।
13 tot en met 15 juli grondlegger Art of Living Sri Sri Ravi Shankar Suriname des mein tashrif lane wale hai aur ye teesri matwa hoga ki Sri Sri Ravi Shankar Suriname des aayega ye president Santokhi ne batayi hai ye ek spiritual leader hai spiritual leader hai aur ye shanti ka prachar karte hai duniya bhar mein vrede veiligheid conflict oplossing aur mentale gezondheid zorg तंदुरुस्ती के बारे में बातचीत करता है और इसका प्रचार दुनिया भर में करता है। लॉस एंजलिस में प्रेसिडेंट संतोखी श्री श्री रविशंकर जी से मिले हैं और वो कहते हैं कि उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया है यह आदमी और इनके देखने में प्रेसिडेंट के देखने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है दुनिया में शांति लाने को वर्ल्ड फ्रीड के वास्ते इसमें वो काफ़ी मदद कर सकता है। बीते हुए बीवे को एक बिलाटरल ड्रग्स ओवरलेग था सुरीनाम और हॉलैंड के दरमियान यहाँ सुरीनाम देश में सुरीनाम देश की दिलहादसी में मौजूद थे ओपनबार मिनिस्टेरी KPS एनफी लुफ्टहाफन बहेर यूस्टिशियल इंटरफेंसी टीम दुवान और दुवान रिसर्च और हॉलैंड की तरफ से इस ओवरलेग में मौजूद थे मिनिस्टेरी फन यूस्टिसी एंड वेलिगेट हॉलैंड का ओपनबार मिनिस्टेरी कोनिंकलक मारासुशी पुलिसी लाइसेंस सुरीनाम देश का और हॉलैंड का यह ओवरलेग में कुछ खास फैसला लिया गया है कुछ बसलोतन लिया गया है सामनवर्गन का ड्रग्स बस्त्रैरिंग के क्षेत्र में क्षेत्र पर और कैसे इसे और लोग मजबूत कर सकते हैं ड्रग्स बस्त्रैरिंग में कैसे और लोग मदद कर सकते हैं हॉलैंड के दिल हादसी उसके बाद भी शोसैटनी शुलसैटनी हाफन और योहान आदल्फ बेंगल लुफ्टहाफन गए वहाँ पर तशरीफ लोग लाए हैं देखभाल करने देखने के वास्ते कि वहाँ का हालात कैसा है जो हम आपको भी बताना चाहते हैं कि नेहन फेफ्ता आफन फिर दास्ता भी होने वाली है आपको पता है कोविड के वजह से पिछले दो साल से आफन फिर दास्ता नहीं हुआ है सुरीनाम देश में तो अब यह ऐलान हुआ है कि 6 तारीख से लेकर सितंबर के 9 तारीख अगले साल 2023 में यह आफन फिर दास्ता होने वाली है तो जो लोग आफन फिर दास्ता के इंतज़ार में थे आपके लिए यह खुशखबरी है और यह सितंबर महीना में रहेगा वैसे हमेशा लगभग अप्रैल महीना में ये आफन फिर दास होते थे लेकिन ये ऐलान हुआ है कि अगले साल के वास्ते आफन फिर दास ये सितंबर महीना में रहेगा ख्रुपन बिद्रैफन और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सब इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और न्यूज़ की खबरें आपको सुनना है कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा कल सुख को प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी वाइस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रंसविक और भी कुछ खास लोगों के साथ मिलकर जो इन लोगों के मौजूदगी में SVM जो है एक वाटर सर्फरिंग्स इंस्टालासी काम में लिए है यह काशीपोरा पर इनका खबरक नाम था इन खबरक नाम था काशीपोरा पर ये जो वाटर पुतन था जहाँ से लोग हमेशा पानी इस्तेमाल करते थे ये अब इतिहास हो गया है काशीपोरा के जनता के वास्ते प्रेसिडेंट संतोखी वाइस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रंसविक SVM का डायरेक्टर क्लिफ्टन लिंगा मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना TCT का कुछ DNA लेडन और ट्रेडिशनल खसा यहाँ पर मौजूद था ये इन खबरक नाम के समय प्रेसिडेंट काफ़ी खुश है ये इन खबरक नाम से क्योंकि हर एक सरनाम देश का नागरिक जो है एल्क सुरीनाम से बर्गर जो है इनको साफ पानी मिलना चाहिए इनका पूरा हक है साफ पानी पर जनता जो है इन लोगों से गुजारिश किया गया है हिसाब से पानी इस्तेमाल करने के वास्ते SVM का डायरेक्टर लिंगा जो है ये बताई है कि कितना काम लोग किए हैं और कितना मुश्किलात था इस दौरान इंस्टालासी और ये लेबोरेटोरियम में के टेस्टन लेने के वास्ते ताकि वहाँ पर साफ पानी जनता तक पहुँचाया जाए जो काम हुआ है इसमें काफ़ी लोग
तकलीफ उठाई है, लेकिन ये बात शेल्फरिंग इंस्टालासी अब वहाँ पर हो गया है। जनता को ये साफ पानी देने के वास्ते, साफ पानी के प्रोडक्ट के वास्ते, और ये है WHO वर्ल्ड गेसोंथेज ऑर्गेनाइजेशन के रिखलाइन के मुताबिक। अफसराब ये है कुछ बनाया गया है कि कब और कैसे पानी का पैसा लोगों को भरना चाहिए पानी के वास्ते जो अब वहाँ पर लोग इस्तेमाल करेंगे। एक खास बात आपको जानने के लिए भी ज़रूरी है कि एक ट्रोपिस स्टॉर्म जो है कराइबिस खबीत की ओर आ रहे हैं, और अगर इसका असर सुरीनाम देश में होगा तो अगले 2-3 दिन में यह आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा। मैत्री लोग से दिन्स की तरफ से यह खबर आई है कि इसका तैयार या पूरा तौर से आप कर लीजिए, मकान का छत आप चेक कर लीजिए, और आपको ये भी बताया गया है कि आप कहीं पर है तो अपना गाड़ी पेड़ इत्यादि के आसपास आप पार्केयर ना करें, और इसी तरह का फोर्स और अस्मात रेखलन आपको लेना है तो ज़रूर इस पर आप गौर करें। यह भी बताया गया है कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन, आप घर पर ही रहिए जब ये ट्रोपिस स्टॉर्म असर सुरीनाम देश पर होगा। ज्यादा बारिश होगा, बवंडल आएगा, तेजी हवा का शिकार लोग होंगे, तो इस बात पर जरूर आप गौर करना कि एक ट्रोपिस स्टॉर्म जो कराइबिस खबीत में आने वाली है, आने वाले 2-3 दिन में इसका असर सुरीनाम देश पर भी होगा। और प्रेसिडेंट संतोखी जो है बीते हुए बीफी को पंचघर में कहा है कि कुछ दिन पहले जो अर्थप्रांगण किया गया था, जो बातें किया गया था मिनिस्टर बीबस के जरिए, अल्बर्ट रामदीन बल्तलान सिसाकन के मिनिस्टर के जरिए, कि इसराइल में एक अम्बासाद पोस्ट आएगा, ये नहीं होगा, कोई अम्बासाद पोस्ट नहीं आएगा इसराइल में। प्रेसिडेंट ने कहा है कि सुरीनाम देश को इसके वास्ते पैसा नहीं है खर्चा करने के वास्ते। एक और ख़ास बात हम आपको बता दें, CBB की तरफ से यह ऐलान आई है कि पहली मतवा ऐसे हो रहा है कि पिछले आधा हिस्सा में कि बीते हुए आधे बरस में, इस 6 महीने के बीच में सुरीनाम देश में लगभग 32,000 पासपोर्ट आनफ्रागन आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है, 32,000 पासपोर्ट आनफ्रागन CBB में अंदर आई है, और ये इस साल के 6 महीनों के वास्ते। ये हम आपको बता दें कि लोग ये कह रहे हैं कि एक इसका कारण हो सकता है कि ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि कोविड के वजह से पिछले 2 साल तक लोग सफ़र नहीं किए हैं, तो ज़्यादातर लोग सफ़र करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह हो सकता है कि अभी हाल ही में ये जो ई पासपोर्ट के बारे में पंचघर में बातचीत हुआ है और खुद क्योरिंग आई है, तो ये ई पासपोर्ट के वास्ते लोगों को 1,000 SRD भरना पड़ेगा, जबकि इस वक्त का जो पासपोर्ट है सिर्फ 300 आपको भरना है एक पासपोर्ट बनाने के लिए या फरलेंगिंग के वास्ते। तो हो सकता है कि ये ई पासपोर्ट आने से पहले ये 1,000 लोग नहीं भरना चाहते हैं, तो लोग ये 300 का पासपोर्ट जल्दबाजी में बनाते हैं। तो ये ज़्यादा पासपोर्ट आनफ्रागन आए हैं, ये पहला 6 महीने में इस साल का CBB इसका ऐलान किए है। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।